नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। जिस प्रकार आप जानते हैं, जमुई लोकसभा से ही नामांकन की शुरुआत हुई है। पहला चरण में यहां मतदान होना है। ऐसे में कई प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया है। आज हमारे साथ श्रवण कुमार पासवान ने भी आज पर्चा दाखिल किया। मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी, क्या कुछ जमुई का विकास होगा, क्या कुछ जनता को सुविधाएं मिल पाएंगी। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, जमुई अंतिम मैदान का जिला है। पूरे बिहार में 38वां जिला है जमुई। अब विकास के कई पैमाने अभी भी बाकी। अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रवण कुमार पासवान यदि यहाँ के सांसद बनते हैं तो क्या कुछ विकास करेंगे। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा इनका क्या क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या कुछ जनता से वादा होगा, क्या कुछ जनता के लिए काम करेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। आपने आज नामांकन दर्ज किया, क्या नाम है, पूरा परिचय दें आप अपना। मेरा नाम श्रवण कुमार पासवान है। मैं राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश से हुआ कि समाज के 37 समाज वर्ग जो है, पिछड़ा जिला, पिछड़ा लोग हैं, वहाँ शिक्षित की कमी है, उनके लिए मैं पार्टी आला कमान से हुआ कि मैं जमुई लोकसभा के लिए नामांकन क्रिया किया जाए। मेरी भी मंशा थी, मैं इस जमुई जिला से 25 वर्ष से जुड़ा हूँ। खासकर मेरा बच्चा के भी पढ़ाई जमुई में हुआ और मेरी पत्नी भी जमुई में शिक्षिका के पद पे खैरा में पदस्थापित हैं। और मैं तो पेशे से एडवोकेट हूँ, पटना हाईकोर्ट और व्यवहार न्यायालय पटना में मैं विधि सम्मत कार्य देखता हूँ और प्रैक्टिस में हूँ। सरोज जी, यदि आप यहाँ के सांसद बनते हैं तो क्या विकास के पैमाने होंगे, क्या कुछ काम करेंगे आप? मैं अगर मुझे यहाँ के प्रतिनिधि, अगर जनता चाहिए, अगर मुझे प्रतिनिधि चुना गया तो मैं सर्वप्रथम यहाँ के शोषित वर्ग और शिक्षित जो है, शिक्षा के प्रति मैं जागरूक पैदा करूँगा और शिक्षा के लिए एक बहुत अहम काम करूँगा। सरवन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा को विकसित करेंगे, सही बात भी है कि शिक्षा वह शेरने का जो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि समाज शिक्षित होगा तो सब अपने आप विकसित हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ? एकदम 100% सही है। शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा अगर आदमी को, शिक्षा अगर हमारे समाज में शोषित दलित और को हो जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारा समाज का एक बड़ा निर्माण होगा। सरवन जी, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था भी सही नहीं है तो क्या अगर आप यहाँ के सांसद बनते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था आप ठीक करेंगे? अगर मैं, मुझे जम्मू की जनता ने चाहा और उन्होंने मुझे दुलारा प्यार दिया तो मैं उनको अपने अंतरात्मा से, ये जो बता रहे हैं आपने कि स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये 100% जम्मू जिला में स्वास्थ्य की समस्या है। और इस संदर्भ में मैं कई बार अपने पूर्व प्रतिनिधि से भी मैं स्वास्थ्य संबंधी में बड़ा किया हूँ, समझे। मैं यहाँ का जनता से प्रेम नहीं अति नहीं हूँ। मुझे, मैं 25 साल से मुझे खादी ग्राम नूमर गांव से संबंध रखते हैं हम, और ऐसे खैरा प्रांत, खैरा जो अति प्रधान, हर जगह हमको सब सम्मान रूप से जानते हैं कि ये सोशल वर्कर है और विधि का भी काम करते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे हम लोगों के चैनल के माध्यम से? आम जनता से मैं अपील यही करूंगा कि वर्तमान समय में जातिवाद की धारणा से ऊपर उठकर लोग आए। जिस तरह चावल, दाल और सब्जी खरीदते हैं तो आप उसको तौल भाव, मोल भाव करते हैं, उसी तरह वो, ये तो बहुत बड़ा अथी है जो आप लोग का समाज में विकास करेगा। तो दाल भात चावल और सब्जी खरीदने में जब मोल जोल करते हैं तो अपना नेता चुनने में क्यों जातिवाद में चले जाते हैं? हाँ, मान लीजिए बहुत बड़ी दलित समाज के दमाद हैं, ठीक, उनको आप मतलब उनके नाम पे करते हैं, लेकिन उनकी, उनको नाम पे आप वोट कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा समाज के विवाहता है कि बहुत बड़े है, मतलब सब जात पात से ऊपर उठकर लोग मतदान करें। हाँ, जात पात से लोग उठे और जो सही है जम्मू के विकास के लिए, जम्मू के विकास के लिए आ गया है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। परीक्षा ले लिया।
मेरा नाम श्रवण कुमार पासवान है, मैं पेशे से सोशल वर्कर प्लस एडवोकेट हूँ। अभिधक्ता के रूप में मैं बिहार न्यायालय पटना और हाईकोर्ट पटना में प्रैक्टिस करता हूँ।